बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको सूरत रहमान का एग्जैक्ट तरीका बताती हूँ कि किस तरह से उसकी आप उसको सुने और फिर आपको वो 100% रिजल्ट उसका मिलेगा। मैंने खुद के ऊपर आजमाया है इसको और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो प्रॉब्लम्स थे जिनको कि मैंने इससे सॉल्व किया है। एक मेरा माइग्रेन था और दूसरा मुझे मेरा जुकाम था। दोनों मेरे बिल्कुल ठीक हो गए हैं और इसलिए मैं बड़ी खुशी के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। और इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है वो बताती हूँ, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो 100% यू विल बी ऑल राइट। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले आपने स्ट्रेट लेट जाना है जा नमाज के ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट। और आपने हेडफोन जो है वो कानों को लगा के मोबाइल अपने यहाँ पे अपने सीने पे रख लें और इसके साथ आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो सूरत रहमान है बगैर तर्जुमे के वो आपने सुननी है। उसका लिंक मैं वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। स्ट्रेट लेटने के बाद आप सूरत रहमान को सुनिए और अपने माइंड में आपके अपना प्रॉब्लम होना चाहिए जिसके लिए आप सुन रहे हैं सूरत रहमान। इसका ड्यूरेशन 21 मिनट्स का है, आप इसको सुकून से सुनिए और उसके बाद एक गिलास में पानी लेंगे और उसके ऊपर 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के तो आपने वो पानी पी जाना है। और इसमें भी आपका प्रॉब्लम आपके माइंड में होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम के लिए आप इसको सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम एग्जैक्ट 7 डेज के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। और इसको अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो 3 टाइम्स अ डे सुनिए, अगर उससे थोड़ा सा माइल्ड प्रॉब्लम है तो 2 टाइम्स अ डे सुनिए, और अगर आप और फील करते हैं कि बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है कोई तो आप 1 टाइम अ डे भी सुन सकते हैं। और इसकी जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सूरत रहमान मोस्टली लोग बता रहे हैं कि सूरत रहमान को आप सुनिए और इतने दिन सुनिए, 7 डे सुनिए, आप उसको 3 टाइम्स अ डे सुनिए, 2 टाइम्स अ डे, लेकिन उसके साथ क्या कंडीशंस हैं वो कोई लोग नहीं बता रहे। तो मैं आपको कंडीशंस बताती हूँ इसकी। नंबर 1, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है जा नमाज के ऊपर। नंबर 2, आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान को सुनना है। नंबर 3, आपके कानों को हेडफोन लगा होना चाहिए और हेडफोन की आवाज़ बस बहुत तेज होनी चाहिए ताकि आपको इधर उधर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे, सिर्फ आपके कानों में वही आवाज़ होनी चाहिए। मैं तो फुल पे भी करके उसको सुन लेती हूँ। आपने उसको ऐसे टाइम पे सुनना है जब इधर उधर कोई शोर नहीं। तीसरा उसमें बात क्या है, अगर आप अंधेरा कर सकते हैं कमरे में तो दैट इज वेरी वेल डन। वो तो आप अंधेरा कमरे में अगर आप उसको सुनते हैं और बिल्कुल सुकून के साथ सुनते हैं तो सारी की सारी वेव्स आपके बॉडी के अंदर जाएंगी। उसकी जो साउंड वेव्स होती हैं कारी अब्दुल बासित की जो साउंड वेव्स हैं एक्चुअली वो आपके दिमाग तक जाएंगी और आपके पूरी बॉडी तक वो ट्रांसफर होंगी। तो वहां से फिर वो सारा आपका क्योर होगा जो भी आपका कोई प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह तआला हुल अजीज अगर इन कंडीशंस को आप अप्लाई करते हैं सूरत रहमान के साथ तो देखिए आपका प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको इससे फायदा हो जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइंदा कुछ सालों में सूरत रहमान हर हॉस्पिटल में चल रही होगी, हर हॉस्पिटल में चल रही होगी। अभी भी काफी हॉस्पिटल्स में सूरत रहमान की थेरेपी स्टार्ट हो चुकी हुई है। मुझे उम्मीद है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सूरत रहमान की थेरेपी जो है वो चलेगी, रहमान की थेरेपी। और अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुमामी। अल्लाह हाफिज।